हेलो जी, एआई का जमाना आ गया भाई साहब। अब आप चाहो तो वॉइस एआई की ले लो, वीडियो एआई से बनवा लो, इवन स्क्रिप्ट भी आप चैट जीपीटी से लिख के बिना कुछ करे भी सोशल मीडिया पे मिलियंस ऑफ व्यूज ले सकते हो। लेकिन एक अंकल है जो एआई से भी एडवांस थे। आज से सालों पहले ही अपनी सगी बेटी को स्क्रिप्ट देना, उसका वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पे डाल के पैसे कमाना। अब देखो, अपने घर के बच्चों के ऊपर वीडियो बना के पैसे कमाने वाले लोग तो वैसे भी बहुत है, क्यों जोशी साहब। लेकिन देखो भैया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार ये चीज गलत है, लेकिन अपनी एक अंडर एज लड़की, छोटी बालिका के इस तरीके के थंबनेल्स बनाना या ऐसे वीडियो शूट करके पैसा कमाना क्या सही है? और तो और, अंकल जी अपनी बेटी के अकाउंट से पॉलिटिकल और रिलीजियस ट्वीट भी करते हैं, जिससे हो सकता है कि उसकी लाइफ और करियर डेंजर में आ जाए। और यही रीजन है कि आज मैं क्रेजी दीप आपको कॉल आउट कर रहा हूं। अब इस वीडियो के अंदर ना मैं बाप या बेटी का किसी का नाम लूंगा, क्योंकि यार देखो कॉपीराइट स्ट्राइक और लीगल नोटिस से मेरी घर नहीं फटती। लेकिन मेरी जो लीगल टीम है वो ऑलरेडी बिजी है, क्योंकि एमबीए गो वाले ने हम पे 1 करोड़ का डिफेमेशन मारा। काफी सारे रोस्टर्स ने जो इन पे वीडियो बनाई थी वो प्राइवेट तक कर लिए, लेकिन डियर प्रफुल बिल्लोरे, जब तक पॉसिबल होगा मेरी वीडियो तो प्राइवेट होगी नहीं। और आपकी जो लीगल नोटिस आई है मेरे को, उसके ऊपर मैं अगली वीडियो में टिप्पणी भी करूंगा। राधे राधे। खैर, बैक टू द वीडियो। लड़की के जो पापा हैं वो मास्टरमाइंड है, उनको पता है कि यूट्यूब पे कैसे ट्रेंड चलते हैं और कैसे ट्रेंड्स पे व्यूज लेना है। फॉर एग्जाम्पल, जब पबजी का ट्रेंड चल रहा था तो इनकी बेटी पबजी पे वीडियो बनाती थी, डायनामो श्राउड का पापा है, यादें दिलाऊं क्या। उसके बाद यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा था कि भैया जितना सीटीआर हाई होगा, क्लिक थ्रू रेट थंबनेल को देख के, जितने ज्यादा लोग थंबनेल को देख के अट्रैक्ट होते थे, उतनी ज्यादा चांसेस होते थे वीडियो वायरल होने के। तब उस टाइम पे अंकल जी अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने के लिए इस तरीके के थंबनेल लगाते थे। मैं आजकल जोक्स तो करता नहीं, लेकिन मेरी वीडियो के अंदर फैक्ट्स और लॉजिक आपको मिलेंगे। और हम अगर लॉजिकली सोचें तो जो ऑडियंस इस तरीके के थंबनेल्स देख के वीडियो पे क्लिक कर रही है, वो वीडियो में क्या देखने आ रही है? एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करने के लिए और वॉच टाइम बढ़ाने के लिए बिंदास काव्य की इस तरीके से वीडियो बनाते थे। अब व्यूज लेने के लिए एज अ यूट्यूबर तो अंकल जी पास हो गए, लेकिन एज अ फादर वो फेल हो गए। एक और एग्जांपल, अभी ट्रेंड में था भाई बिग बॉस, तो बिंदास काव्या के अकाउंट से एक ट्वीट आता है, दिल से एक बात बोलती हूँ, बुरा मत मानना, बट हमारे एलविस यादव भैया उस एक्चुअल YouTube सुपीरियर गैंग में कभी काउंट ही नहीं किए जाएंगे। इतना लाइव स्ट्रीम करने की क्या जरूरत है अपने कंटेस्टेंट को जिताने के लिए? भीड़ अपने आप आनी चाहिए ना कि जुटानी पड़े। यहाँ पे मेरे दो सवाल है। पहला, कि अगर आप YouTube पर लाइव कर रहे हो तब भी आप Instagram स्टोरी डाल रहे हो कि गाइस मैं कल लाइव करूंगा, आ जाना। और अगर आप रोला बिठाने के लिए, सिस्टम जमाने के लिए, कोई भी हो, मीटअप कर रहा है, तब भी आप Instagram पर लाइव आओगे कि भाइयों कल सिस्टम हैंग करना है, तो आ जाना। और एक मिनट भाई, लाइव स्ट्रीम करने से आप ट्रिगर्ड इंसान को टारगेट क्यों कर रहे हो? मतलब मेरा सवाल ये है कि आपको किसी को सपोर्ट करना है तो आप किसी दूसरे को टारगेट क्यों कर रहे हो? और दूसरी बात की लाइव स्ट्रीम तो एल्विस के दोस्त कटारिया ने भी की थी, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि #ElvisYadav #BigBoss या ट्रिगर्ड इंसान को टारगेट करने का काम एक 17 साल की लड़की नहीं करती, ये काम है उसके अब्बू का। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर ये अब्बू ने ट्वीट किया है तो एक बात बोलती हूँ, एल्विस यादव भैया, अंकल जी ये रिचार्ज के पैसों के लिए लड़की बन के लड़कों से सेक्सटिंग करने की आदत गई नहीं लगे आपकी? देखो अंकल जी, मुझे पता है कि ट्विटर पे मोनेटाइज होता है, वहां से भी पैसे आते हैं, लेकिन पैसों के चक्कर में ऐसे ट्वीट करना जिससे बेटी को गाली पड़ रही है, गलत बात। As I said कि भैया अंकल जी जो है वो मास्टरमाइंड है, तो अभी क्या ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे, अभी किस टाइप के कंटेंट पे व्यूज आते हैं? ऑब्वियसली व्लॉगिंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज पीयूष ने मामी जी की गोद में टट्टी कर दी है। दिल से थैंक यू यार, इतने लोग आ गए थे यार, सोचा ही नहीं था यार गाइस यार, लेकिन ना यार हर बार की तरह हायाबुसा का हो गया हायाबुसा। अभी के टाइम पे ये डेली व्लॉगिंग करते हैं, और सबसे बेस्ट चीज के जो हरकतें वल्गर चीजें करते थे ये इन्होंने बंद कर दी। पर फिर भैया सवाल यही आएगा कि फिर मैं वीडियो बना क्यों रहा हूं, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन उसके पहले, मैं जब भी ये इस तरीके की वीडियो बनाता हूँ तो तुम्हें पता है कि मेरे को 8 से 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि रिसर्च होती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं रेगुलर रहता नहीं। फिर 10 दिन बाद जो वीडियो निकल के आती है उसको तुम लोग इंजॉय तो करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब्सक्राइब करो। और इंस्टाग्राम पे हमारे 58,000 फॉलोवर्स ही हैं, क्योंकि मैं वहां पे भी रेगुलर पोस्ट नहीं करता, लेकिन मुझे बुरा लगता है कि भाई लोग डेली क्रिंज अपलोड करके मिलियंस में फॉलोवर ले जाते हैं, और जहां पे मैं मेहनत करता हूं तो फॉलोवर बढ़ते नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि तुम सिर्फ अपना 1 मिनट निकाल के मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि अगर तुम मेरे कॉन्टेंट से खुश हो तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी अगर तुम लोग सपोर्ट दिखाओगे। अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि इसके जो पिताजी हैं वो अच्छे पिताजी नहीं है, लेकिन जो 12 से 17 साल वाली एज होती है
वो किसी भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी होती है। जब उसको जरूरत होती है अच्छी पेरेंटिंग की, अच्छे संस्कार की, जब उसको जरूरत होती है कि उसकी हॉबीज और इंटरेस्ट पे उसके पेरेंट्स काम करें, उसकी एजुकेशन के ऊपर ध्यान रखें, लेकिन उस टाइम पे इस लड़की के पेरेंट्स उसको यूट्यूब पे एक्सप्लोइट कर रहे थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़की स्कूल नहीं जाती, लेकिन इसका पूरा कंटेंट पूरे दिन का इसी के अराउंड होता है। एजुकेशन यूट्यूब से बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि इंक्लूडिंग मी, राज ग्रोवर, प्रगति वर्मा, ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको शायद आपने देखा होगा कि जब भी इनके स्कूल के एग्जाम चलते हैं तो एक लंबा ब्रेक ले लेते हैं, यूट्यूब पे डेली अपलोड नहीं करते। लेकिन इनकी जो लड़की है वो डेली व्लॉगर है। अब ये माँ बाप का काम है भाई कि अपने बच्चे को बताना कि क्या सही है क्या गलत है। मैं बैड पेरेंटिंग वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जिस एज में आपको अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए, उस एज में अगर कोई बंदा उसको यूट्यूब पे क्रिटिसाइज करता है तो आप अपनी बच्ची से क्या क्या बुलवाते हो। अगर तुमको इतना ही शौक है माँ बनने का तो हॉस्पिटल चले जाओ और कटवा लो अपना, इसको ये बोलेंगे क्रिटिसाइज। आज से कुछ महीनों पहले मैंने इनके लिए एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि इनके जो पिताजी हैं वो इनकी लड़की के अकाउंट से पॉलिटिकल ट्वीट करते हैं जो कि गलत है, जिसके कारण अंकल जी की ईगो हर्ट हुई और उन्होंने रिप्लाई ऐसे दिया। क्रेजी दीप इस चीज के ऊपर अपना ओपिनियन देते हुए ये एलिगेशंस लगाए थे कि ये बिंदास काव्या का अकाउंट वो नहीं चला रही है बल्कि उनके फादर चला रहे होंगे, बट उनको इनडायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हुए बिंदास काव्या अपने ट्विटर में ये कही, यार कुछ लोग है ना ऐसे समझते हैं कि ये बिंदास काव्या ये छोटे से बच्चे ट्विटर पे क्या उखाड़ लेंगे, मागुन पाए घाले लन तोड़ात न काड़े, किसी से ट्रांसलेट करवा लेना। जी मैम, मैंने इसको ट्रांसलेट करवाया और मेरे को पता चला कि इसका मतलब है कि पीछे से पैर डालूंगी और मुंह से निकाल दूंगी। वैसे ये पॉसिबल नहीं है बच्चा, अब तेरा बाप तेरे को स्कूल जाने देता तो तेरे को थोड़ा आइडिया रहता। यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल ट्वीट मैं खुद करूंगा, लेकिन जब लोग क्रिटिसाइज करेंगे, मेरी बेटी को गाली देंगे, तो मेरी बेटी को गाली देने के लिए आगे कर दूंगा। कुछ भी कहे, खुले में टॉयलेट जाके मजा बड़ा जबरदस्त आया। बेटी खुले में सुसू करना चाहती है और पिताजी खुले में हग रहे हैं। अब क्योंकि मैंने इनके बहुत सारे ब्लॉग देख रखे हैं तो मैं इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इनके ब्लॉग के अंदर होते हैं एक लड़की के इरिटेटेड वॉइस में स्क्रिप्टेड डायलॉग, गाइस मेरे पापा कहते हैं कि जो मेरा भाई कृष्णा है वो सबसे छोटा है लेकिन वो घर में सबसे समझदार है, क्यों पापा, और साथ में ढेर सारा क्रिंज। चलो पापा का हेयर कट हो गया होगा, देख के आते हैं। चलो चलो चलो, कहाँ तो क्या होता है कि आप जो चीज कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करा, इंटरनेट पे डाल दिया, वही व्लॉग है। लेकिन इनके व्लॉग में जिन बच्चों को गाय का निबंध याद करना चाहिए घर के, वो याद कर रहे हैं भाई स्क्रिप्ट व्लॉग के लिए। मुसीबत से दूर रखूंगा मैं दीदी, देखो तो तेरी दीदी को लेके पापा से दूर भाग जा। पापा ने डांटा था, फिर मैं अचानक घर से गुस्से में निकल गई थी, मैं फोन वगैरह कुछ भी नहीं लेके गई थी। कहाँ गए थे पहले आप? पहले मैं रेलवे स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन गए और मनमाड़ से हमारे गांव जाने वाले थे अयोध्या की तरफ। अब लड़की को पढ़ाई के चक्कर में चिल्ला रहे थे ये फुले भागी, या फिर कोई और रीजन था, या फिर ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक बात जो कन्फर्म है कि भैया ये लोग कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि जब न्यूज वाले उस लड़की से पूछ रहे थे तो उसके पापा बीच में उसको काट देते हैं और खुद बोलना शुरू कर देते हैं। पहले मैं रेलवे स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन गए और मनमाड़ से हमारे गांव जाने वाले थे अयोध्या की तरफ। यहाँ पे ये लोग क्लियरली कहते हैं कि भैया अयोध्या जा रही थी, लेकिन थोड़ी देर पहले जब ये लाइव पे थे तो इन्होंने और कुछ कहा था। हाँ, हमारे घर जा रही थी, लखनऊ जा रही थी, हमारे गाँव जा रही थी, वो नाराज होके हमसे। अब इनके पुराने Q&A आज से 10-12 महीने पहले 10th क्लास में थी और अकॉर्डिंग टू सम न्यूज सोर्सेस इस लड़की की एज अभी 17 साल और इस लड़की को देखने वाली जो ऑडियंस है वो 10-15 साल के बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया फैंटेसी है या बेटिंग है प्रमोट मत करो, लेकिन जो लड़की खुद अंडर एज है, इसकी मैक्सिमम ऑडियंस खुद बच्ची है, वो लड़की अपने सोशल मीडिया पे बेटिंग एंड गेमलिंग ये प्रमोट कर रही है। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि इस बार इंडिया के त्योहार में आप जीतोगे, वो भी तो डियर अंकल जी, अगर आप इस वीडियो को डाउन करवाने के लिए लीगल जाने का सोच रहे हैं तो जो पॉइंट मैं इस वीडियो में रेस कर रहा हूँ उसकी वजह से आपकी डॉटर के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, और यही है इस वीडियो का सबसे जरूरी सेगमेंट। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल और रिलीजियस अगर आप गलत टिप्पणी करते हो तो आप पे कितना भारी पड़ता है ये हम सभी को पता है। ऐसे में कुछ पैसे
और 2% की इंगेजमेंट के चक्कर में इसके पिताश्री इस लड़की की 17 साल की लड़की के अकाउंट से पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल ट्वीट करते हैं। बिंदास कावे ने ध्रुव राठी के अगेंस्ट ये ट्वीट किया, यकीन मानो ऑन संक्रांति फेस्टिवल मुझे 100,000 का कैंपेन आया था टू मेकअप एज कबूतर विद रेड लिक्विड ऑन विंग्स एंड अ लिटिल ऑन फेस एंड हैंड में प्लकार्ड होल्ड करना था जिसपे लिखा हो डोंट किल इनोसेंट बर्ड्स ऑन मकर संक्रांति। तो सोचो राठी को कितने पैसे मिलते होंगे प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। एक मिनट, तो सोचो कि चू राठी मतलब चूतिया राठी को कितने पैसे मिले होंगे परपो गांडू चलाने के। नाइस। सोचने वाली बात यह है कि जो पॉलिटिकल ट्वीट उस लड़की की आईडी से आ रहे हैं, क्या उस लड़की को अभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी होगा? क्या वो खुद से कर रही है? और अगर वो खुद से नहीं कर रही है, आप उसके अकाउंट से कर रहे हो, तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो कि लोग उसको कमेंट सेक्शन में गाली दे रहे हैं आपकी वजह से? अब जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि अंकल जी मास्टरमाइंड है और अंकल जी को पता है कि आजकल इंटरनेट पे आप सनातन धर्म के बारे में बोलोगे तो आपको भर भर के लाइक्स और एंगेजमेंट मिलेगी। अब मेरी ये बात तुम्हें शायद बुरी लगे, लेकिन ज्यादातर इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स अगर राम नाम ले रहे हैं तो वो इसलिए नहीं क्योंकि प्राउड सनातन, वो इसलिए क्योंकि तुम लोग उनको एंगेजमेंट देते हो। वैसे ही अंकल जी को पता है कि अब इंटरनेट पे कैसे व्यूज आते हैं, इसीलिए गणपति जी पे इनका एक म्यूजिक वीडियो आएगा। 17 साल की लड़की के अकाउंट से पॉलिटिकल और रिलीजियस कैंपेन को एक्सपोज करना है, और तो और अगर इनके ऊपर किसी ने वीडियो बनाई है तो उसको डाउन करवाने के लिए रिलीजियस कार्ड खेलना। इन पवित्र नवरात्रि दिस इज हाउ माई डॉटर इज फेसिंग हरासमेंट एंड अब्यूज, जबकि वीडियो नवरात्रि की थी नहीं। वो लिख रही है कि नवरात्रि में मैं गाली दे रहा हूँ उन्हें, उनकी बेटी को मैं अब्यूज़ कर रहा हूँ, हैरेस कर रहा हूँ। पहली बात, ना ही कोई हैरेसमेंट है इस वीडियो में, ना ही कोई अब्यूज़ है, बहुत ही फनी वीडियो बनी हो। मेरा पॉइंट है कि ध्रुव राठी तो भैया प्रोपोगांडू फैलाता है, मकर संक्रांति पे मैं पेड कैंपेन करती नहीं हूँ, लेकिन नवरात्रि में एक लड़की को हरेस किया गया है तो सीएमओ साहब प्लीज एक्शन ले, चाहे वो वीडियो नवरात्रि में आई भी ना। आई होप कि जो मैं पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ तुम लोग समझ गए हो। और अंकल जी, आप अगर इतने ही प्राउड सनातनी हो तो आपको पता होगा कि जो घर की बच्ची है उसे हम लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन आपने हमेशा उसको लक्ष्मी कमाने के लिए एक्सप्लोइट किया। एक मिनट, अगर ये वीडियो कोई महिला हेल्पलाइन देख रही है या सीएमओ के ऑफिस में चल रही है, क्या पता भाई कहीं पहुंच जाए, तो मैं चाहूंगा कि मेरे ऊपर कोई भी एक्शन लेने के पहले, तो मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत से पॉइंट्स रेस किए जिनके ऊपर पहले एक्शन लेनी चाहिए। और हाँ, अगर तुम लोगों को ये वीडियो सही लग रही है तो भैया फुल परमिशन है, तुम इसको रीअपलोड कर सकते हो, ये वीडियो डिलीट हो सकती है, उसके पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ कि यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो क्योंकि 100,000 करवा दो यार प्लीज। और एक मिनट अंकल, अपने ओपिनियन ना लड़की के अकाउंट से तुम ट्विटर पे मत दो, तुम लोग अपने ओपिनियन गली नुक्कड़ या किसी कंट्रोवर्सी में वेस्ट करने से बेटर है कि प्रोबो पे यूज करो, पैसे कमा पाओगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से जाओगे तो 25 रुपए का बोनस भी मिलेगा, तो जाओ जल्दी जाओ जाओ।